हेलो दोस्तों, अगर आप बीएससी कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं कि बीएससी कंप्यूटर साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, तो ये वीडियो आप देखिए। इसमें मैंने आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों साल के सब्जेक्ट्स के बारे में बताया है कि कौन से साल में आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना होता है। उसके साथ साथ हमने फीस के भी बारे में बताया कि बीएससी कंप्यूटर साइंस की फीस कितनी होती है, क्या योग्यता होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये सारी बातें जानने के लिए आपको ये वीडियो अंत तक जरूर देखना होगा। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आयुष एरिना यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बीएससी कंप्यूटर साइंस यानी कि बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस, दोस्तों ये एक डिग्री कोर्स है यानी कि बैचलर डिग्री कोर्स है जो कि 3 साल का होता है। बहुत सारे कॉलेज में ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के अकॉर्डिंग होता है और कुछ कॉलेज में ये फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, इस तरीके से 3 साल में 6 सेमेस्टर होते हैं। बीएससी कंप्यूटर साइंस के कोर्स में आपको टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर और कोडिंग वगैरह से रिलेटेड जो सब्जेक्ट होते हैं, जो जानकारी होती है, वो आपको पढ़ाया जाता है और आपको टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर के बारे में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर हम लोग योग्यता की बात करें कि बीएससी कंप्यूटर साइंस के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, तो दोस्तों इसमें आपका क्लास 12 पास होना चाहिए। क्लास 12 में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये 3 सब्जेक्ट होने चाहिए। उसके साथ साथ कम से कम 45% और 50% आपके मार्क्स होने चाहिए और आपकी जो मिनिमम एज है वो दोस्तों 17 साल होनी चाहिए। सबसे पहले हम लोग फीस के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग जान लेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो दोस्तों, अगर हम लोग फीस के बारे में बात करें, तो अगर आप बीएससी कंप्यूटर साइंस का कोर्स किसी गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं, तो दोस्तों आपकी जो 1 साल की फीस होगी 10,000 से 12,000 रुपये हो सकती है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। इस अकॉर्डिंग आपकी 3 साल की जो फीस होगी वो दोस्तों 35,000 से 50,000 रुपये आप एवरेज मान सकते हैं। और अगर आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से बीएससी कंप्यूटर साइंस का कोर्स करते हैं, तो दोस्तों आपकी फीस थोड़ी ज़्यादा होगी। अगर हम लोग पूरे कोर्स की फीस की बात करें, तो दोस्तों पूरे कोर्स की फीस 2 से 3 लाख रुपए तक भी हो सकती है। दोस्तों ये जो मैंने फीस बताई, इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि बहुत कुछ डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर, किस जगह पे कॉलेज है, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक आइडिया दे दिया। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं कि बीएससी कंप्यूटर साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो देखो गाइस, अगर हम लोग बीएससी कंप्यूटर साइंस फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट्स की बात करें, तो इसमें आपको टोटल 5 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। पहला फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर यानी कि बेसिक चीजें क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर, जो कि सबको पता होती है। जो सेकंड चीज होती है वो आपको होती है इंट्रोडक्शन ऑफ डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये सारी चीज आपको पढ़नी होती है। नेक्स्ट डाटा स्ट्रक्चर, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, नंबर सिस्टम एंड कोड्स, ये सारा चीज आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ना होता है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगर हम लोग सेकेंड ईयर की बात करें, तो देखो दोस्तों सेकेंड ईयर में आपको थोड़ी सी कोडिंग वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। इसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट्स पढ़ने होते हैं, एडवांस्ड प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन यानी कि पाइथन आपको पढ़ना होता है। पाइथन एक प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसके बाद दोस्तों आपको कंप्यूटर ग्राफिक्स पढ़ना होता है, C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना होता है, जावा आपको पढ़ना होता है। उसके बाद आपको इंटरनेट टेक्नोलॉजीज पढ़नी होती है, यानी कि आपको कोडिंग यानी कि जो कंप्यूटर लैंग्वेज होते हैं वो चीज़ आपको सेकेंड ईयर में थोड़े से अच्छी तरीके से पढ़ने होते हैं। अगर हम लोग थर्ड ईयर की बात करें कि बीएससी कंप्यूटर साइंस थर्ड ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, तो थर्ड ईयर में आपको कंप्यूटर नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, विजुअल प्रोग्रामिंग, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, यानी कि थर्ड ईयर जो है आपका एक तरह से प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस किया जाता है और इसमें आपको दोस्तों असाइनमेंट वगैरह भी पूरे करने होते हैं। तो ये है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के सब्जेक्ट, जो ज़्यादातर जो कॉलेज होते हैं उसमें यही पैटर्न होता है। लेकिन हो सकता है किसी किसी कॉलेज में या फिर किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में वो अपने अकॉर्डिंग पढ़ाते हो, पढ़ाएंगे यही सब कुछ, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा सा आगे पीछे, हो सकता है थर्ड ईयर वाला सेकेंड ईयर में डाल दिए, सेकेंड ईयर का कुछ पोर्शन थर्ड ईयर में डाल दिए, लेकिन कुल मिला जुला के यही सारे आपको सिलेबस उसमें पढ़ाए जाते हैं। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल जानना है कि जैसे बीएससी कंप्यूटर साइंस के लिए कौन कौन से बेस्ट कॉलेज हैं, बीएससी कंप्यूटर साइंस के बाद आप क्या जॉब कर सकते हैं, क्या सैलरी पा सकते हैं, यानी कि और भी तमाम तरह की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो दोस्तों हमने अपनी वेबसाइट पर एक आर्टिकल लिखा है, तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर जरूर से पढ़ सकते हैं। आपको गूगल पर सिंपली जाकर सर्च करना है howtobecomeinindia.in, आयुष एरिना वेबसाइट ओपन हो जाएगी, वहाँ पे आपको बहुत सारे आर्टिकल मिलेंगे। आप नीचे के स्क्रॉल करिएगा तो वहाँ पे आपको एक सर्च बॉक्स मिलेगा, आप वहाँ पे सिंपली सर्च कीजिए बीएससी कंप्यूटर साइंस, आपको बीएससी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड आर्टिकल आ जाएगा, उसमें पूरी जानकारी दी है A to Z आपको उसमें पढ़ने को मिल जाएगा। यहाँ पे मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो आप एक बार हमारी वेबसाइट पे जरूर जाइए, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी जरूर चेक कीजिए, वहाँ पे बहुत सी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको मिल जाएगी। और उसके साथ साथ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें इंस्टाग्राम पर भी आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।